वेलकम टू रोंटी किचन चैनल। आज हम सबके साथ एप्पल की खट्टी मीठी चटनी की एक बहुत ही सरल और आसान रेसिपी शेयर कर रहे हूँ। जायकेदार एप्पल की खट्टी मीठी चटनी आप उपवास के साथ साथ बिना उपवास के भोजन के साथ भी परोस सकते हैं। बनाने का तरीका, सबसे पहले एप्पल को धोकर साफ किचन टावल से पोंछ लेने, देन एप्पल को पिलर की सहायता से अच्छी तरह कद्दूकस कर लें। मैं इन सब सामग्री के सहायता से खट्टी मीठी एप्पल की चटनी बनाऊंगी। इन सब सामग्री में है कस्तूरी मेथी, रेड चिली पाउडर, कद्दूकस अदरक, सूखा अदरक, सौंफ और जीरा। पहले हम पैन में तेल गरम करें, उसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ डालें। जब जीरा और सौंफ तड़कने लग जाए, आंच को धीमी करके उसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और कद्दूकस के घी अदरक डालें। कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए, देन साफ किया गया कुछ करी पत्ता डाल दीजिए। अब कद्दूकस किया गया एप्पल डाल दीजिए, 1 टेबल स्पून दालचीनी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और सूखा अदरक डाल दीजिए, देन अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और स्वाद के अनुसार नमक डालें और अच्छी तरह अगेन मिक्स कर दीजिए। पैन को ढक्कन से ढके और 2-3 मिनट के लिए पकाएं। मीठा के अनुसार जागरी यानी कि गुड़ और कुछ में शुगर भी ली हूँ, देन उसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। देन शुगर और चीनी मेल्ट होने तक आप 2-3 मिनट तक पकाएं। कुछ कटा हुआ पास्ता और आलमंड को डाल दीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। देन कुछ कसूरी मेथी डाल दीजिए और खट्टे के लिए नींबू का रस डाल दीजिए, देन उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। देन आंच को बंद कर दे और एप्पल की खट्टी मीठी चटनी को एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दे और ड्राई फ्रूट से आप गार्निश से कर सकते हैं। एप्पल की खट्टी मीठी चटनी को आप पूरी, पराठा, फुलका, दाल, चावल के साथ भी परोस सकते हैं। जाम की बजाय ब्रेड पर भी एप्पल की खट्टे मीठी चटनी को फैलाएं, यह बहुत अच्छी लगती है। ध्यान दें, आप चीनी की जगह गुड़ के भी उपयोग कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार मिठास को भी समायोजन न करें और आपका रेडी हो गया एप्पल की खट्टी मीठी चटपटा सा चटनी। दोस्तों, आप भी डिश को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमें फीडबैक में ज़रूर बोलें। आपके घर में किस टाइप का चटनी बनता है हमें ज़रूर शेयर करें। अगर हमारा रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह का रेसिपी बनाने के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें न्यू रेसिपी देखने के लिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।